नमस्कार, kalfi.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मथुरा के पेड़े बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आप भी इसे आराम से घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं मथुरा के पेड़े कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। मथुरा पेड़ा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम खोया लिए है, 150 ग्राम बूरा चीनी है। इसे आप मेरे चैनल पे देखकर बना सकते हैं, ये बाजार में भी आसानी से मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है या आप नहीं बना सकते हैं तो पाउडर चीनी का भी यूज कर सकते हैं। एक बड़े चम्मच हमने घी लिया है, 3 छोटी इलायची ली है, इसे हम पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए हम मथुरा पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खोए को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। खोए को हमने तोड़ लिया है, अब इसे हम भूनेंगे। किसी कढ़ाई में हम ये थोड़ा सा घी डाल देंगे, आधा डाल देते हैं, आधा हम बाद में यूज करेंगे अगर जरूरत लगी तो। कभी कभी खोए में बिल्कुल भी घी नहीं होता है तब ज्यादा घी की जरूरत होती है, इसलिए हम पहले थोड़ा घी डाल रहे हैं। खोया हम भून के देखेंगे, अगर जरूरत लगी तो हम और घी डाल देंगे। खोए को हमें एकदम ब्राउन हो जाने तक भूनना है। आज हम धीमी रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए एकदम भुरभुरा सा और लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। करीब 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में, थोड़ा पेशेंस से भूनना है। आज हमें तेज नहीं रखनी है धीमी, आज पे इसे हम भूनते रहेंगे धीमे चलाते हुए इसी तरह से। यह काफी सूख गया है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, और अभी हमें इसे एकदम ड्राई भुरभुरा सा हो जाने तक भूनना है। खोया काफी भुन गया है और इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है, इसलिए हमें और घी मिलाने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हमें इसे और हल्का सा और ब्राउन करना है, काफी ड्राई हो गया है ये। खोया हमारा बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, बहुत भुरभुरा सा हो गया है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब दूध मिलाएंगे, क्योंकि हमें इससे पेड़े बनाने हैं तो पेड़े बनने में मुश्किल होगी, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच दूध मिला देते हैं। ज्यादा इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसका दूध छूट जाए। हमने इसमें 2 बड़े चम्मच दूध मिलाया है। खोया हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ऐसे चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, खोया नीचे से जल जाएगा, या तो आप इसे किसी दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं। खोए को हमें पूरी तरह से ठंडा हो जाने देना है, तभी हम इसमें चीनी मिलाएंगे। इलायची पाउडर को हमने कूट लिया है, तभी इसमें हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसमें हम अच्छे से। खोए का बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे पेड़े बनेंगे इससे, लेकिन इसे ठंडा करके ही तभी हमें इसमें चीनी मिलानी है, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। खोया जो हमने भूना था ठंडा हो गया एकदम, ये देखिए एकदम अच्छा सा भुरभुरा सा हो गया ये। अब इसमें हम ये चीनी का बूरा मिला, हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। ये मिश्रण हमें थोड़ा ड्राई लग रहा है, हम इसमें 1 चम्मच दूध और मिलाएंगे। 1 चम्मच दूध हम इस तरह से चिट्टे डाल देंगे, बस थोड़ी देर में ये चीनी थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ देगी तो ये थोड़ा गीला हो जाएगा। इसी तरह से हम इसे हाथ से थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा मॉइस्चर ना छोड़ दे, थोड़ा थोड़ा ये गीला होने लगा है। अगर आपको बहुत ड्राई लगे ये थोड़ा सा और 1 चम्मच और चिट्टे डाल दें, थोड़ा सा 1 चम्मच दूध हम इसमें और डाल लेते हैं, इसलिए जल्दी से बनने लायक हो जाए। 2 छोटे चम्मच हमने इसमें दूध मिलाया है, 2 बड़े चम्मच दूध हमने इसमें भूनते समय खोए में मिलाया था और 2 छोटे चम्मच दूध हमने इसमें अभी मिलाया है। अब इसे हम पेड़े मान लेंगे, एकदम गीला हो गया है, इसे पेड़े आसानी से बन जाएंगे। थोड़ा सा हाथों में हम घी लगा के पेड़े मारना, इस तरह से रोल करके इस तरह से, और इसे हम ये थोड़ा सा हमने ये पूरा चीनी बचा ली थी इसके ऊपर इस तरह से रोल करते जाएंगे,
ऊपर से ये पूरा चीनी हम इसमें लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से सारे पेड़े बना लेते हैं। बहुत ही अच्छे पेड़े बन के तैयार हो रहे हैं, एकदम जैसे कि मथुरा में मिलते हैं पेड़े, बिल्कुल वैसे ही पेड़े बन के तैयार हो रहे हैं। ये हमारे सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे पेड़े बन के तैयार हुए हैं। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान होता है, बहुत ही कम सामान में ये बन के तैयार हो जाते हैं। आप भी इसे जन्माष्टमी पर बनाइए और बालकों को भोग लगा के सभी को प्रसाद में दीजिए, ये सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।